नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे अच्छा चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड। दोस्तों अभी हम ये अपने मैसेज की दवाई लेने के लिए गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो वहां से हम आ रहे हैं। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, 12 बजे से पहले का वीडियो दिखाया था हरिद्वार में लॉकडाउन की क्या स्थिति है, लेकिन अब आप देख सकते हैं अभी 2:12 हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हरिद्वार में लॉकडाउन की स्थिति किस प्रकार से है। सारी मार्केट बंद कर दी गई है और आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूं वीडियो के माध्यम से, आप देखें क्या हाल है। देख सकते हैं आप, ये कुछ गाड़ियां हैं जो चल रही है। वैसे अभी सारी मार्केट बंद हो गई है और लोग भी बहुत कम आपको सड़क पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हरिद्वार में 9 मई 2021 की स्थिति, लॉकडाउन किस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है। आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था 12 बजे से पहले का, 12 बजे से पहले कुछ ज़रूरी जो दुकानें हैं उनको प्रशासन द्वारा खोलने की अनुमति दी गई है। तो उस समय 12 बजे से पहले आपको हरिद्वार की सड़कों पर थोड़ी भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये लगभग 1 से 2 बजे के बीच का समय है। तो आप देख सकते हैं सभी दुकानें बंद है और सड़कों पर भीड़ भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं हरिद्वार में लॉकडाउन की स्थिति इस प्रकार से है। दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से हरिद्वार में जो भी आगे अपडेट होती है और जो भी स्थिति होती है अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आगे भी आपके पास मेरे जितने भी वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पिछली वीडियो के मुकाबले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों हरिद्वार में भी कोविड के केस काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। 800-900 के करीब केस रोज़ हरिद्वार में आ रहे हैं। तो आप लोग अगर हरिद्वार आने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं एक बार फिर से, आप हरिद्वार आने से बचें। अगर बहुत ही आपको ज़रूरी है तभी आप हरिद्वार आए, और अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार तो आपको मैं बता देता हूं आपको कोविड की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, जो कि 72 घंटे पहले की होनी चाहिए, उसके साथ ही आपको हरिद्वार उत्तराखंड आना होगा। उसके बिना आपको हरिद्वार में एंट्री नहीं दी जाएगी। दोस्तों एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। दोस्तों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच जो बस सेवा चल रही थी अभी उसको रोक दिया गया है। बस जो है उत्तराखंड से जो जाएगी उत्तराखंड के बॉर्डर पे रुक जाएगी। तो आप अगर जा रहे हैं तो आपको बॉर्डर पर उतरना होगा और बॉर्डर पर ही आपको दूसरी साइड उत्तर प्रदेश की जो बस होगी उसमें बिठा के आपको आपके गंतव्य स्थान पर छोड़ा जा सकता है। तो आपको आपके लिए जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेवलिंग करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। तो देख सकते हैं दोस्तों आप हरिद्वार की सड़कों का हाल देख सकते हैं, पूरी तरीके से बाजार बंद है आप देख सकते हैं। और अगर अच्छे से ही अगर लॉकडाउन का पालन होगा, लोग अपने घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है उनका पालन करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो कोरोना की महामारी है जिससे हमारा देश पूरी तरीके से अभी बहुत ही दिक्कत में है, सभी लोग परेशान है क्योंकि काफ़ी मात्रा में ये बीमारी फैल रही है। तो अगर आप सभी लोग पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाएंगे और सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है कोरोना की बीमारी हमारे देश से जल्दी समाप्त होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इसी प्रकार से हरिद्वार उत्तराखंड की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।